अस्सलाम वालेकुम। कहना यही था हजरत कि हम सब लोग, हमारी पूरी टीम है ये, हम अपने उस्ताद के यहाँ आए हुए हैं जी। और हमारा उस्ताद के आज उड़ान में बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छे उड़ रहे हैं कबूतर, और अल्लाह जल्ला उड़ान है, और अल्लाह ने चाहा तो आने वाली तारीखों में इंशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान होगी। अच्छा हाँ, हमारे उस्ताद के कबूतर माशाल्लाह इतने अच्छे उड़ रहे हैं कि बस अल्हम्दुलिल्लाह हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इंशाल्लाह। और बाकी जो रिज़ल्ट उस्ताद हमारे दिखाएंगे वो जितने 15 तारीख को इंशाल्लाह बहुत अच्छा हम अपना मुजाहरा करने वाले हैं इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं बबलू भाई के साथ जा रहे हैं अलीम भाई के यहाँ। अलीम भाई जो कि इकबाल साहब के शागिर्द हैं, उनके यहाँ। तो आज मुझे जब्बू के नाले पे नहीं जाना, आज बबलू भाई यहीं आएंगे क्योंकि रास्ता आज दूसरा है। हो सकता है खड़े हो जहाँ से उनको पहली मर्तबा लिया था, अभी नहीं आए। तो आज जो है पहले मतलब आज लास्ट साहिब के पास जा रहे हैं, मतलब ऑल इंडिया में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कॉल किसकी आ रही है? अलीम भाई की कॉल भी आ रही है, कॉल कर लेता हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। बस रास्ते में है, मैं वेट कर रहा हूँ उनका। आ रहे हैं वो भी? ठीक है, आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अलीम भाई से तो बात हो गई, बोल रहे हैं कि जल्दी आ जाइए, वेट कर रहे हैं। बाकी बस बबलू भाई और आ जाएं फिर चलते हैं। और टाइम देख लीजिए आप लोग, टाइम क्या हो रहा है? टाइम 5:11 हो रहे हैं। 5:30 पे उन्होंने बोला था कि झंडी लगाएंगे, तो इंशाल्लाह जब तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। पास में ये इतना 22। अब हो वहाँ खड़े हैं, आवाज़ दे रहे हैं बबलू भाई। तो मेरे ख़्याल में हाजी मंसूर अली साहब का भी इरादा है जाने का, क्योंकि उनका घर यहीं है, तो वो भी जाएंगे शायद। आज उनका वेट हो रहा है लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। हाजी जी भी जा रहे हैं क्या? अच्छा, मुझे भी ले लियो। अच्छा हाँ हाँ सही है। और क्या? अच्छा अच्छा है। अच्छा बबलू भाई, वो कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि वो 10 पॉइंट्स पे वीडियो कब आ रही है। इन चीज़ों से निपट लें फिर बना लेंगे आराम से बैठ के। हाँ हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ ये अभी जैसे टूर्नामेंट चल रहा है, आपको पता ही है, फुर्सत मिल नहीं रही है आना जाना। फिर वो शाम में अब बबलू भाई भी अपने मेडिकल में बिज़ी रहते हैं, तो इंशाल्लाह ये टूर्नामेंट से फारिग हो जाएँ तो वीडियो ज़रूर बनाएंगे इसकी भी। अच्छा हाँ, पान भी ज़रूरी है। चलिए भाई, हाँ सही है। चलिए साहब, तो चलते हैं अलीम भाई के पास। For so long I was living my life, was so wrong, always numbing my mind, battled on, building scars from the knife, so far gone, I was blind. So now that I found what I was looking for, I'm shining a light on the dark that I was coming from. ओहो, लो भाई नाजिम भाई भी आ गए हैं, देखिए। बहुत जल्दी करी आपने। चलिए 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 आगे जी। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, बड़ी जल्दी आ गए। चलिए फिर, काफ़ी टाइम हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम सेंचुरी। तो जैसा कि आप सबको मालूम है, एक ऑल इंडिया का कप होने वाला है और एक मुरादाबाद का। तो आज 13 तारीख है, जुमे का दिन है। ऑल इंडिया का जो है वो जनरल उड़ान है यहाँ मुरादाबाद में, और अक्सर लोगों से हमने मुलाकात कर ली है। आखिरी जो ऑल इंडिया के मुसाहिम हैं, आखिरी जो पार्टिसिपेंट हैं, वो हैं हमारे अलीम भाई, जो कि जनाब इकबाल साहब के शागिर्द हैं। और इनकी ऑल इंडिया में भी एंट्री है और मुरादाबाद वाला जो है उसमें भी एंट्री है। तो आज इनके पास आए हैं, इनकी कबूतरों की क्या तैयारियां हैं, क्या चल रही हैं, वो सारी चीज़ देखेंगे। इनकी पूरी टीम भी यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले मैं अलीम भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं जी? अल्लाह का रहम है। तो अलीम भाई, कब से शौक़ चल रहा है आपका? शौक़ तो कम से कम चल रहा है 16 साल हो गए मुझे। 16 साल हो गए जी। अच्छा जी। अच्छा, तो 16 साल से जो शौक़ कर रहे हैं आप, तो इसी छत से चल रहा है? नहीं, पहले दूसरे वाले घर से चल रहा था। अच्छा, यहाँ चल रहा 7 साल से इस वाली छत से चल रहा। अच्छा, तो 16 सालों में टूर्नामेंट बाजियाँ वगैरह? हाँ, मैंने काफ़ी बाजियाँ उड़ाई, टूर्नामेंट भी उड़ाए। अच्छा। तो किसकी सरपरस्ती में आपका शौक़ चलता है? मैं, हमारे उस्ताद हैं इकबाल भाई, जनाब इकबाल साहब। जनाब इकबाल साहब, उनकी सरपरस्ती में ही चलते हैं। अच्छा। और क्लब का क्या नाम? इकबाल पार्टी से हैं हम। अच्छा जी, इकबाल पार्टी से आप। अच्छा। तो अभी जैसे ये एक तो हमारा 15 तारीख में सेमीफाइनल है, फिर 22 में फ़ाइनल है, और उसमें मुरादाबाद का भी है। तो उसकी तैयारियां कैसी चल रही हैं? माशाल्लाह, बढ़िया चल रही हैं तैयारियां। अच्छा जी, और उम्मीद है कि बढ़िया ही चलेंगे। उड़ाने वगैरह स्टार्ट कर दी हैं आपने? जी, उड़ाने स्टार्ट कर दी हैं। अच्छा जी। तो यहाँ पर हमारे इनके जो उस्ताद हैं जनाब इकबाल साहब, वही मौजूद हैं। इनसे थोड़ा सा जानते हैं। जी इकबाल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थोड़ा बताइए, जो अब तैयारियां चल रही हैं, लोग अपनी अपनी उड़ानें दिखा रहे हैं, तो यहाँ का क्या चल रहा है? जी माशाल्लाह, मुरादाबाद में खैर सभी लोगों की तैयारियां अच्छी चल रही हैं जी, और लिहाजा यहाँ की भी माशाल्लाह बढ़िया चल रही है। अच्छा, बाकी जो है देखो 15 तारीख में सब रिजल्ट सामने आ जाएगा। हाँ। बाकी 3-4 साल से ही जुड़े हैं मुझसे, लमसम 4 साल हो गए जी मेरी पार्टी में आए हुए, 3-4 साल हो गए। और काफ़ी मतलब 4-5 शौक कर भी चुके हैं। 4-5 शौक कर चुके हैं। अच्छा। और बाकी जो ये पार्टी है अपना, एक कपड़ उड़ा रही है, इसका, इस पार्टी का मैं बहुत बहुत मतलब शुक्रिया अदा करता हूँ। जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं ये लोग जो हैं जी। पार्टी के हमारे मुरादाबाद के लोग जो हैं बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। अब से ये जो साल है 5वां साल है साहब गर्मी की टूर्नामेंट का। हमारे यहाँ मुरादाबाद में ना टूर्नामेंट होता नहीं था। अच्छा। अब से 5 साल पहले मैंने और मेरे ये हमारे दोस्त हैं, ये उस्ताद बबलू, हाँ, हम दोनों ने मिल के ही शौक करवाया था पहली दफ़े। अच्छा। तो उसमें 3 एंट्री आई थी। फिर अगले साल को इन्होंने, उस्ताद बबलू ने और मैंने, हाँ, दोनों ने शौक करवाया, तो उसमें 16 एंट्री आई। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट हुआ था। जो बात है, बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे, और एक पार्टी के नहीं सभी के, हमारे मुरादाबाद में सबके अच्छे उड़े थे माशाल्लाह। अच्छा जी। फिर 2 साल ना मैं रमज़ान शरीफ के महीने की वजह से मैं हट गया था, तो ये हमारे जो उस्ताद बबलू हैं ये मुरादाबाद के, इन्होंने लगातार दो साल शौक करवाया। अब ये 5वां साल है, इसमें मंसूर भाई ने भी हिस्सा लिया। अच्छा। हमारे नाजिम भाई ने भी हिस्सा लिया। जो बात है माशाल्लाह, मुझे उम्मीद ये लग रही है कि अब बहुत ही अच्छा शौक होगा इंशाल्लाह, क्योंकि पहले तो ये थे हम 2 थे। हाँ। अब के ये काफी लोग हैं इसमें, और काफी मेहनत कर रहे हैं। हर छत पे जाना और हर छत की मूवी बनाना, और सारे कबूतर, अगर कोई शख्स मतलब कोई सा भी खिलाड़ी कोई कबूतर गलत लगा रहा तो उसको फौरन हटवा रहा है जी। और माशाल्लाह अब कैसे इन दोनों आदमियों ने, मतलब उस्ताद बबलू ने और नाजिम भाई ने, ऑल इंडिया का भी अपना हाथ में ले लिया है। जी। और बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद ये है कि बाहर के लोगों को भी मतलब ये दिखाई देगा कि यहाँ पे भी बहुत शौक ईमानदारी से होता है, क्योंकि जितनी मेहनत ही कर रहे हैं। अच्छा। कहीं भी कोई गलत बात देख रहा है ना, तो फौरन ये उसको मना कर देते हैं। अच्छा, वैसे यहाँ पे उड़ाने शुरू कर दी होंगी आपने? जी माशाल्लाह, उड़ाने शुरू कर दी। आज आप कितने कबूतर उड़ाने वाले हैं यहाँ? लमसम आज 28 कबूतर उड़ाएंगे। 28 कबूतर उड़ाएंगे जी। तो चलिए पहले हम झंडी देख लेते हैं, बाकी जो और उस्ताद यहाँ बैठे हैं उनसे झंडी के बाद बात करेंगे। ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। पर्चे निकल जाएगा। चलो आ जाओ लियो भाई, आ जाओ बांधो यार, ऐसी बांधो, ऐसी बांधो आदम भाई, ऐसी कबूतर ऐसी उड़ाने के लिए उल्टा उल्टा कैसे उड़ाते हो। चलो चलो तो फ्रेंड्स आप लोगों ने झंडी देख ली, माशाल्लाह अलीम भाई के कबूतर बहुत ही अच्छे गए, बहुत अच्छे उड़े। बाकी मैं तो इतना नहीं जानता, यहाँ उस्ताद लोग बैठे हैं उन्हीं लोगों से सबसे जानते हैं। तो सबसे पहले मैं देता हूँ, गयास भाई हमारे बैठे हैं। जी गयास भाई बताएं आपको अलीम भाई के कबूतर कैसे लगे, कैसी उड़ान चल रही इनकी? इनके कबूतरों की उड़ान बहुत मेहनत कर रहा है जी जी, और अल्लाह ने चाहा तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी। और मुरादाबाद में जितने भी लोग हैं सभी मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छे कबूतर उड़ रहे हैं, और यहाँ पे योगदान भी है लोगों का, जो जगह जगह जा रहे हैं छतों पर और मेहनत करवा रहे हैं, और उसमें उस्ताद खलीफा लोग सब लगे हुए हैं कि मुरादाबाद की उड़ान अच्छी हो जाए और इसका रिजल्ट अच्छा आए। और हमारी भी कोशिश ये है कि हमारी टीम की अच्छा रिजल्ट आए। और ये हमारा क्लब जो है इकबाल उस्ताद पार्टी के नाम से जी हमने ये क्लब खोल दिया है जी जी बिल्कुल। जी नाजिम साहब आप जैसे ये आज आखिरी छत है हमारी जी, मतलब कंप्लीट कर दिए हैं हमने, सारी छतों से वीडियो बना ली है, तो आज क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जितने भी लोगों ने हिस्सा लिया है उन लोगों को? जी आज इस ऑल इंडिया कप की आखिरी उड़ान हुई है हमारी, नूर साहब ने जो वीडियो बना रहे हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी उड़ान हुई है इनकी, और मैं सब लोगों का मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया, बहुत बहुत उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजी मंसूर अली साहब बोलो यार। अस्सलाम वालेकुम, जैसे कि आप जानते हैं कि एक सीरीज़ चल रही है कबूतरों की टूर्नामेंट की, तो ये आज ऑल इंडिया वाले की आखिरी छत है। अभी एक 21 वाले टूर्नामेंट की एक छत और रह गई है, इंशाल्लाह वो अभी 2-1 दिन में और कंप्लीट कर लेंगे। और माशाल्लाह इनका अलीम भाई के कबूतर बहुत अच्छे उड़े हैं, और आपसे 4 साल पहले जैसे उस्ताद इकबाल ने हमें बताया कि 4 साल पहले टूर्नामेंट स्टार्ट करा था हमने, तो उसमें भी इन्होंने कबूतर काफ़ी अच्छे उड़ाए थे। उसी साल इकबाल उस्ताद से ये जुड़े थे, और माशाल्लाह इनका 2nd नंबर लगा था उसके अंदर, और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि फर्स्ट आए इस साल। काफ़ी मेहनत कर रहा है और इन्होंने बीच में भी काफ़ी उड़ाने अच्छी करी हैं जी जी जी। ठीक है जनाब, आप मैसेज देना चाहेंगे? जी मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि जी हमारे यहाँ मुरादाबाद में जितने भी खिलाड़ी हैं सब प्यार का शौक़ करते हैं जी, और हम सब लोग जो है ना मिलजुल के शौक करते हैं, बहुत प्यार मोहब्बत से आपस में इस्तफाक भी है हमें, और दूसरी बात ये सब में यारी दोस्ती है, महल मोहब्बत है जो बात है जी, जी, सही। और एक दूसरे की मानते भी हैं, और ये हमारे शहर के बड़े बेटे में मंसूर भाई भाई, इनसे हमारी कभी कभी हंसी मजाक भी खूब चलती है, समझे नहीं। माशाल्लाह हमारे यहाँ मुरादाबाद में जाड़े की भी उड़ान बहुत अच्छी होती है। वैसे कुछ लोग ये कहते थे कि मुरादाबाद में गर्मी की उड़ान नहीं होती जी जी, तो ये हमारे दोस्त हैं बहुत जिगरी, बबलू उस्ताद। अच्छा। तो इनसे बातचीत करके मिलजुल के हमने मतलब ये शौक खोला। अच्छा। और माशाल्लाह देखो लगातार चलता चला रहा है, 5 साल हो गए। जी जी जी। माशाल्लाह आप जो है कि ये शहर के बड़े जो है, मंसूर भाई ये हुए, नाजिम भाई हुए, ये सब बड़े लोग जुड़ गए। अब उम्मीद ये करता हूँ मैं कि आगे कोई बहुत अच्छे शौक होंगे और बाजिए भी उड़ेंगे आमने सामने की इंशाल्लाह जी। बाकी और बाकी नूर भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि आपने हमारे मुरादाबाद को चमकाया है। माशाल्लाह बहुत बहुत बढ़िया काम करा आपने, और ताकि पूरे वर्ल्ड में यहाँ मुरादाबाद का भी नाम आता है, खुशी होती है। चलिए बाकी अलीम भाई से सर थोड़ा इंट्रोडक्शन करा दें, कौन कौन यहाँ पर भाई मौजूद है हमारे। ये आजम है हमारे दोस्त। अच्छा, आजम भाई साथ में ही रहते हैं। अच्छा। हम साथ में इसी छत से कबूतरबाजी करते हैं। जी जी जी। और ये है शब्बू हमारे शागिर्द। अच्छा। ये हाफिज तंजीम है जी, हमारे दोस्त, ये भी यहीं से साथ में करते हैं। हाफिज शुएब हैं जी, ये हमारे दोस्त, ये भी यहीं से होता है। ये है रेहान, रेहान भाई, ये हमारे शागिर्द हैं। अच्छा। ये भी यहीं से करते हैं। इमरान है हमारे दोस्त, रेहान दोस्त है। अच्छा, ये भी साथ में ही करते हैं। जी जी। आप बताओ रेहान। हाँ, हाँ, और इनका बहुत साथ रहता है। अच्छा अच्छा। उधर में भी काफी अच्छा बहुत बच्चे हैं इनके हमारे यहाँ, रेहान के आगे और आजम के आगे भी। ये हम तीनों यहाँ से मिलके ही करते हैं। अच्छा, मिलजुल के मतलब पूरी टीम मिलजुल के करती है। और ये हमारे खलीफा बेटे हैं। अच्छा भाई। अच्छा, आप खलीफा हैं जी, और ये बड़े खलीफा हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। गयास भाई बड़े खलीफा हैं और आप, आपका क्या नाम? गालिब भाई। गालिब भाई, आप छोटे खलीफा हैं। अच्छा, चलिए तो आपको और आपकी पूरी टीम को बेस्ट ऑफ लक कहूँगा 16 तारीख के लिए, यानी परसों है ना, 15 तारीख के लिए। बाकी जितने भी लोगों ने इसमें हिस्सा लिया है उन सबको भी बहुत बहुत मुबारकबाद है और बेस्ट ऑफ लक है। बाकी अल्लाह के हाथ में देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।